हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहे हैं जा रहा हूँ अप्लाइड प्रॉब्लम पोलराइजेशन से। और जो ये वीडियो मैंने बनाई है उसमें मैंने काफ़ी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं पोलराइजेशन से, तो ये सभी कम्पिटिशंस के लिए काफ़ी यूजफुल होगी, चाहे वो गेट, नेट, पार्क, जस्टिफाई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हों, चाहे एमएससी के डिफरेंट यूनिवर्सिटी के एग्जाम लिखने वाले स्टूडेंट्स हों, और बीएससी के स्टूडेंट्स और पीसीएसआईएस के जो स्टूडेंट्स हैं, सभी को ये बेनिफिट देगी। तो पहली प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें ईआरटी दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोजीशन और टाइम का फंक्शन है एक ईएम वेव के लिए, उसकी वैल्यू है आई ई वन प्लस जे ई टू और ई की पावर आई और के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। ये ई की पावर आई थीटा है, थीज को नोट करेगा, और ई एक्स जो होगा इसे हम आई ई को जो ई पोजीशन का और टाइम का फंक्शन है उसको ई बराबर आई ई एक्स प्लस जे ई वाई में कन्वर्ट कर लेंगे, जिससे एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और वाई कंपोनेंट हम एवेल्यूएट कर लेंगे। तो ई एक्स की वैल्यू यहाँ से जब इसकी कंपेरिजन करेंगे आई इंटू ई एक्स से, तो ई एक्स बराबर ई वन ई की पावर आई और फिर में आ जाएगा के आर माइनस ओमेगा टी, और इसको कंपेरिजन हम कर रहे हैं आई ई एक्स प्लस जे ई वाई से, तो ई एक्स की वैल्यू हमारी होगी दिस वन और ई वाई हो जाएगा हमारा ई टू ई की पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। उसके बाद ई वाई अपोन ई एक्स को डिवाइड कर देंगे, ई वाई अपोन ई एक्स जैसे हम डिवाइड करेंगे तो ये जो टर्म्स हैं आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ई वाई अपोन ई एक्स जो होगा वो ई टू अपोन ई वन हमें एवोल्यूट हो जाएगा। ई टू अपोन ई वन एक प्योर नंबर होगा, तो ई वाई अपोन ई एक्स अगर प्योर नंबर आता है तो ये वाई बराबर एम एक्स टाइप की इक्वेशंस बनेगी जो लीनियर पोलराइज्ड वेव को नोट करेगा। तो यहाँ पर जो ये वेव्स बनेगी वो लीनियरली पोलराइज्ड या प्लेन पोलराइज्ड वेव कहलाएगी, तो हमें इसमें आंसर जो मार्क करके आना था वो मार्क करना था प्लेन पोलराइज्ड वेव। तो ये इस तरीका से क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन नंबर टू जो मैंने डिस्कस किया है उसमें है ई टू बराबर आई ई वन, और पूछा है कि बताइए कि ये वेव किस तरीका के पोलराइजेशन को रोट करेगी। तो इसको हम देख पाएंगे ई टू बराबर ई वन ई की पावर आई पाई बाई टू, तो ई वन और आई टू में जो होगा फेज वो पाई बाई टू का होगा, तो फेज को लिख दें पाई बाई टू। ई टू का मैग्नीट्यूड ई वन के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, क्योंकि जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो ई टू और ई टू का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो आई ई वन और इन टू माइनस ई आई वन होगा, तो वो हमारा मोड ई टू स्क्वायर बराबर मोड ई वन स्क्वायर बन जाएगा। तो मोड ई वन और मोड ई टू आपस में इक्वल होंगे और मैग्नीट्यूड में, और फेज जो है पाई बाई टू का होगा। अगर दो वेव हैं दोनों का अगर एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों के बीच में फेज अगर पाई बाई टू का है, तो उस समय पर सर्कुलर पोलराइजेशन होता है। तो इसमें हमें आंसर जो लगाना होगा वो सर्कुलर पोलराइजेशन मार्क करना होगा, तो ये सर्कुलर पोलराइज्ड वेव को नोट करेगा। अगर ई टू बराबर टू आई ई वन है या थ्री आई ई वन है या फोर आई ई वन है या फाइव आई ई वन है, कोई भी रिजल्ट अगर है इस टाइप का, तो उसमें हम इसे लिख पाएंगे टू ई वन ई की पावर आई पाई बाई टू इस फॉर्म में, तो फिर जो हो जाएगा वो पाई बाई टू हो जाएगा ई वन और आई टू में, तो यहाँ पे मार्क कर लें। और ई टू का जो मैग्नीट्यूड है अब ई वन के मैग्नीट्यूड के इक्वल नहीं होगा। अगर दो वेव्स अगर एक दूसरे पर सुपरइम्पोज कर दी जाती हैं, दोनों का जो इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड है वो आपस में सेम ना हो, और फेज में अगर पाई बाई टू का हो, तो इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन होता है, तो इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन हमें इसमें मार्क करना होगा, ये इसका आंसर होगा। प्रॉब्लम नंबर फोर डिस्कस कर रहा हूँ, द रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ सेट्स। सेट्स दे रखे हैं सुपरपोजिशंस के, पहला सेट है ई एक्स बराबर ई वन कॉस, फेज में आ रहा है ओमेगा टी माइनस के जेड और ई वाई है जीरो। सेट सेकंड में ई एक्स है ई थ्री कॉस और फेज आ रहा है ओमेगा टी माइनस के जेड और ई वाई आ रहा है ई फोर कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड। फिर पूछा है कि जो इनका रिजल्टेंट होगा सुपरपोजिशन के थ्रू वो वेव किस तरीका की होगी। तो याद रखें कि अगर सेट डिफरेंट सेट देता है तो एक्स के कंपोनेंटों को एक साथ में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ओपे करा दें और ई वाई के कंपोनेंटों को दोनों सेटों के को अलग अलग। तो क्या करें कि ई एक्स यहाँ पे दिस वन है और यहाँ पे इतना है सेट टू में, तो इन दोनों को करके नेट ई एक्स कैलकुलेट कर लें। तो ई एक्स फर्स्ट सेट का और ई एक्स सेकेंड सेट का दोनों का सुपरपोजिशन करेंगे तो ये हमारा ई एक्स जो आ जाएगा वो मिलेगा हमें। जब हम इनका सुपरपोजिशन कर लेंगे तो ई एक्स आ जाएगा ई एक्स वन प्लस ई एक्स टू, ई एक्स वन की वैल्यू ये होगी और ई एक्स टू ये होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी ई वन प्लस ई थ्री और कॉस ई वन प्लस ई थ्री पर ब्रैकेट कवर होगा कॉस और फेज आ जाएगा ओमेगा टी माइनस के जेड। फिर ई वाई में दोनों का सुपरपोजिशन कर दें तो ई वाई हमारा आ जाएगा ई फोर कॉस और फेज में आ जाएगा ओमेगा टी माइनस के जेड। अगर यहाँ पर कॉस के साथ में यहाँ पर फेज और यहाँ पर भी जो फेज है अगर वो दोनों सेम है, तो अगर हम ई वाई अपोन ई एक्स करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी ई फोर अपोन ई वन प्लस ई थ्री जो हमने यहाँ दिखा रखा है। अब ई फोर अपोन ई वन प्लस ई थ्री एक प्योर नंबर होगा, तो ई वाई अपोन ई एक्स जो होगा रिजल्टेंट वेव का वो एक प्योर नंबर होगा, चाहे उसकी वैल्यू वन टू थ्री या फ्रैक्शंस में हो,
तो ये y बराबर mx की फॉर्म मिलेगी, जहाँ पे m जो होगा वो ये e4 अपॉन e1 प्लस e3 होगा। तो ey अपॉन ex बराबर m की फॉर्म अगर मिलती है तो फिर से ये लीनियर पोलराइज्ड वेव को डोट करेगा। तो इसका हमें आंसर जो मार्क करना होगा फोर्थ का, वो लीनियर पोलराइज्ड वेव मार्क करना होगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ डिस्कस करने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है किसी समय ईएम वेव का, और ये वैल्यू है ई बराबर आई ई नॉट कॉस फेज में ओमेगा टी माइनस के जेड माइनस जे ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड। ये फेज है ओमेगा टी माइनस के जेड, और यहाँ भी ओमेगा टी माइनस के जेड फेज है। तो इसके बाद हमें इसको ई बराबर आई एक्स प्लस जे ई वाई फॉर्म में लिख लें, तो ई एक्स हो जाएगा ई नॉट कॉस, और फेज हो जाएगा ओमेगा टी माइनस के जेड, ई वाई हो जाएगा माइनस ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड। उसके बाद ई वाई अपॉन ई एक्स को डिवाइड करें तो कॉस की टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, और माइनस ई नॉट को जब ई नॉट से डिवाइड करेंगे तो माइनस वन आएगा, तो ई वाई अपॉन ई एक्स हो जाएगा माइनस वन, और उसे हम बराबर एम के बराबर लिखते हैं, और एम होता हमारा टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू माइनस वन हो जाएगा, थीटा माइनस फोर्टी फाइव होगा। तो एक्स एक्सिस से जो वेव है वो माइनस फोर्टी फाइव का एंगल बनाएगी, और ये लीनियर पोलराइज्ड को शो करेगा। तो ये इसका आया हुआ क्वेश्चन है कंप्लीशन का, कई सारे क्वेश्चन इनमें आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स डिस्कस कर रहा हूँ, ई एक्स इजकल टू ई नॉट साइन, और फेज में है के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई फोर प्लस पाई बाई टू, और ई वाई में है ई नॉट बाई रूट टू साइन और के जेड माइनस ओमेगा टी। तो ध्यान रखें कि अगर हम इस पाई बाई टू को कंसीडर करते हैं यहाँ पे एंगल में, तो ये बन जाएगा ई नॉट कॉस और के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई फोर, क्योंकि साइन पाई बाई टू प्लस थीटा जो हो जाएगा उसे जब हम ओपन करेंगे तो साइन पाई बाई टू कॉस थीटा प्लस कॉस पाई बाई टू साइन थीटा लिखेंगे, और साइन पाई बाई टू वन होता है तो कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख पाऊंगा, ई नॉट कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी, और इस वैल्यू को ले लेंगे हम पाई बाई फोर यहाँ पर ले लेंगे। ये मैंने इसको कंसिडर कर लिया है कॉस बनाते समय पे। तो यहाँ पे देखें कि जो ये भी बन के आ रहा है ये साइन में है ये कॉस में है, और यहाँ पे फेज और आगे लीड कर रहा है, और ये जो एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड ई एक्स कम्पोनेंट के और ई वाई के वो डिफरेंट हैं। तो अगर ई एक्स और ई वाई के कम्पोनेंट इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड के डिफरेंट होते हैं, और इन दोनों के बीच में पाई बाई टू का फेज डिफरेंस कवर हो रहा हो, और एक पाई बाई फोर और भी एंगल साथ में अटैच हो रहा हो, ई एक्स कम्पोनेंट आगे चल रहा हो, तो उस समय पर इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन होगा। तो इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन तो हमें ऐसे केवल इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड से ही पता चल जाता है, और लेफ्ट और जो राइट पता चलता है उस पर मैंने एक वीडियो इससे पहली वाली प्रिपेयर करके डाल रखी है, उसको देख लें, वहाँ पे मैंने और लेफ्ट और राइट का कंसीडरेशन एक्सप्लेन किया है काफ़ी डिटेल में, तो वहाँ से देख लें। प्रॉब्लम नंबर सेवन डिस्कस कर रहा हूँ, द सम ऑफ टू अपोजिटली रोटेटिंग सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड जो है वो लीनियर पोलराइज्ड वेव को प्रोड्यूस करता है। तो अगर लेफ्ट सर्कुलर पोलराइज्ड वेव और राइट सर्कुलर पोलराइज्ड वेव का एक दूसरे पर सुपरइम्पोज कर दिया जाए तो लीनियर पोलराइज्ड वेव का फॉर्मेशन करती हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक जो लीनियर पोलराइज्ड वेव है वो सुपरपोजिशन से मिलकर बनी होती है लेफ्ट और राइट सर्कुलर पोलराइजेशन से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लगातार पूछा जाता है, इसलिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे कहा है। तो ई एक्स को जीरो ले लें और ई वाई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड नोट कर दें, ये लीनियर पोलराइज्ड वेव को डोट करेगी। अब हम इस ई एक्स को दो पार्ट्स में ले लें अपने पास से, ई नॉट बाई टू कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड माइनस ई नॉट बाई टू कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड, क्योंकि अगर इन दोनों को हम सबट्रैक्ट करेंगे तो जीरो आ जाएगा। ई वाई को इस वाली टर्म को टू पार्ट्स में ब्रेक कर दें, ई नॉट बाई टू साइन ओमेगा टी माइनस के जेड प्लस ई नॉट बाई टू साइन ओमेगा टी माइनस के जेड। अब हम इसको ई एक्स वन ले लें और इसको ई वाई वन ले लें, इसको ई एक्स टू ले लें और इसको ई वाई टू ले लें। तो जैसे ही हम इसको यहाँ पे ई एक्स वन ले लेंगे इसको, और इसको ई एक्स टू लें और इसको ई वाई वन लें और इसको ई वाई टू लें, तो जैसे हम ई एक्स वन लेंगे तो ई एक्स वन की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी ई नॉट बाई टू कॉस, फिर आ जाएगा ओमेगा टी माइनस के जेड, और ई वाई में जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ई नॉट बाई टू ई वाई वन की वैल्यू ई नॉट बाई टू साइन ओमेगा टी माइनस के जेड। तो अगर हम ई एक्स वन स्क्वायर प्लस ई वाई वन स्क्वायर करेंगे तो ई नॉट स्क्वायर बाई फोर आ जाएगा। इसको फिर ई एक्स टू ले लें इस वाली टर्म को, और इसको वैल्यू को ले लें ई वाई टू, तो ई एक्स टू का स्क्वायर प्लस ई वाई टू स्क्वायर जो करेंगे तो ई नॉट स्क्वायर बाई फोर होगा। ये जो ई एक्स वन और ई वाई वन से जो वेव बनेगी और ई एक्स टू और ई वाई टू से जो वेव बनेगी उनमें से एक लेफ्ट सर्कुलर पोलराइज्ड और एक राइट सर्कुलर पोलराइज्ड वेव होगी। तो यहाँ से हमें यह पता चलेगा कि लेफ्ट सर्कुलर पोलराइजेशन और राइट सर्कुलर पोलराइजेशन वेव के सुपरपोजिशन से
प्लेन पोलराइज वेव बनती है, या हम ये कह सकते हैं कि जो प्लेन पोलराइज वेव है वो लेफ्ट और राइट सर्कुलर पोलराइजेशन का नेचर होता है, उनके दोनों के सुपरपोजिशन से मिलकर बनी होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ये, और इसके जो फेज कंसेप्ट हैं वो इससे पहली वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किए हैं, तो वहाँ से डिस्कस कर लें। तो जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो इससे पहली वाली जो वीडियो मैंने पोलराइजेशन पर अपलोड की हुई है पहले उसे देखें और फिर इसे अप्लाई करें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इसमें डिस्कस कर रहा था, मुझे उम्मीद है काफ़ी बेनिफिट आपको देगी और आपको कंपटीशंस के लिहाज से जो है काफ़ी अप्लाइड प्रॉब्लम्स मैंने इसमें डिस्कस कर दी हैं, तो आपके कंसेप्टों को अच्छे से समझना समझाने में मदद करेगी। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस।